भागो भागो, ये बढ़िया है ना, घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे एक ड्रम पड़ा है, इसको मैं खोल सकता हूँ। ओहो, अब कच कच भी करूँ क्या? ओहो, PSVR 2 is here. भाई इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, इंडिया में ये मई जून में लॉन्च होने वाला है, लेकिन इंपोर्टेड वाला हमारे पास है। मैंने कहा हमारे से रोका नहीं जाएगा, हम गेम खेल लेंगे वीआर वाली सारी की सारी। वीआर हेडसेट में हमने लास्ट ऑक्यूलस रिव्यू किया था, तो ऑक्यूलस के बाद इसका एक्सपीरियंस है, उसके अलावा मैंने कोई वीआर यूज नहीं करा। हाँ, एचटीसी का वाइव वगैरह यूज कर रखा है जो गेमिंग पार्लर वगैरह में लगा होता है, बट वो ये उसके अंदर एक आधी गेम ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। वो एक्चुअल जो एक्सपीरियंस होता है ना कि हाँ कैसी डिस्प्ले, वो तो घंटों घंटों यूज के बाद पता लगेगा ना। तो ऑक्यूलस पहले वाला जो हमने रिव्यू किया था उससे बेटर है या नहीं है, और एक्चुअल जो मेरा एक्सपीरियंस होगा सारा शेयर करेंगे। चक्कू का डब्बा बोल ले। ओ भाई, इस गत्ते में से इतनी बढ़िया खुशबू आती है ना, नाक के बाल जल जाते हैं कसम से। ये हमने MX2 गेम से ऑर्डर किया है, तो उनकी वेबसाइट मेंशन था, उनसे पहले मैंने स्टीम डेक भी मंगा रखा था, मैंने कहा चलो यहीं से मंगा लेते हैं। वैसे तो काफी जगह मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में भी इंपोर्टेड वाले, और यहाँ पे आप देख सकते हो होराइजन वाला बंडल हमने मंगाया, मतलब एक गेम इसके साथ हमारे को मिली है जिसको हम सबसे पहले एक्सपीरियंस करेंगे। भाई सोनी के डब्बे खोलने की वाइब भी अलग है, मुझे आज भी याद है जब पहली बार PS5 आया था ना मेरे पास, क्या ही फील आई थी उसे खोलने। एक ये डब्बा निकल गया यहाँ से, और एक इसके कंट्रोलर निकल गए, एक नहीं दो कंट्रोलर है। एंड यहाँ पे हमारे को ये हमारा मेनली हेडसेट है, इसके अंदर टाइप ए टू टाइप सी केबल है, और एक यहाँ पे ईयरफोन मिल जाती है जो आप गेम खेलते हुए पहनोगे, और मोटी लंबी पुस्तक बड़ी सी, एंड एक और छोटी पुस्तक, और एक हमारा गेम जिसका कोड हम अभी रिडीम करने वाले हैं। मेरा चैनल है ये, मेरा मैंने VR हेडसेट मंगाया, कह रहा पहले मैं चलाऊंगा, भैया तुम्हें दे रहे इज्जत ही नहीं है यार कोई। और भाई इसके कंट्रोलर काफी बढ़िया है, यहाँ पे प्लेस्टेशन स्क्वायर ट्रायंगल और ओ एंड एक्स वाले बटन है, यहाँ पे प्लेस्टेशन के दो डेडिकेटेड बटन है, और ये ऊपर के ऑप्शन बटन है, और ये हमारी अनलॉक स्टिक होगी, यहाँ पे R1 और L1 बटन है, और ये L2 और R2 हो गए। और इनका क्वालिटी बढ़िया है, काफी लाइट वेट दे रखे हैं, और उसके हिसाब से जो इसका प्लास्टिक है वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी पे हमारा VR हेडसेट शो हो गया कनेक्ट करते, और ये कह रहा भाई साहब ईयरफोन लगा लो वरना कोई आवाज नहीं आनी आपको। और ये हमारे ईयरफोन यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर देना, इसके अंदर 3.5mm जैक दे रखा है, और ये लग गए बस। रिमूव यूर फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मेरा दूसरा रिमोट कहाँ है? अरे आप इसे उतारो। अरे तू इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, मेरे को VR का रिमोट दे दो। रिमूव योर हेडसेट। अच्छा, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द स्क्रीन इंग्लिश। और इसके कंट्रोलर लगाने बड़े आसान है, हाथ में से डाला और बस यूं खींच दिया, एकदम से टाइट हो जाता है, और बाय चांस छोड़ भी दिए तो यहाँ पर लटकते रहेंगे। और नहीं हो, नहीं हो। यार अगर ये पहन के किसी बंदे को प्रेशर आ जाए तो 2 मिनट के लिए उतार के चला जाएगा। कॉमन सेंस, लेट द चैट। और भाई यहाँ पे साफ लिखा है 12 साल से अगर छोटे हो तो ये यूज करने की जरूरत नहीं है, वरना नशे हो जाएंगे आपको बढ़िया वाले। चलो अब हम नशे कर लेते हैं इसके साथ, बढ़िया। 20 रुपए घंटा है सर, इतना सस्ता? हाँ सस्ते महंगे से आधा। भाई ये मेरे को 60,000 का पड़ा है बंडल वाला ना, VR का एक्सपीरियंस अच्छा लेने के लिए उन्होंने कहा साफ कर लो सराउंडिंग, एक्स्ट्रा चीजों को बाहर फेंको। चलो चलो बाहर निकलो कमरे से। भाई एक चीज बताऊं, जैसे ऑक्यूलस में क्या था ना, साइड में यहाँ पे प्रेशर फील होता था, इसके साइड की जो रबर है ना ये बिल्कुल प्रेशर फील ही नहीं कराती ऑक्यूलस में। और इसमें क्या फर्क मेरे को लगा, इसके कैमराज ना रियल टाइम है, ये देख जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना उसमें थोड़ा सा ना प्रोसेस होने में टाइम से लग रहा है, बिल्कुल रियल टाइम है। चल स्कैनिंग होगी, लुक ऑल अराउंड। ओ क्या सही स्कैनिंग कर रहा भाई ये। तो भाई पूरा सेटअप लगा ले पीछे, रिकॉर्डिंग टाइप वाला सेटअप जो आपको दिखाएंगे गेम प्ले वगैरह, उससे पहले इसका मेन हाईलाइट जो इसकी डिस्प्ले है, इसके अंदर 4K HDR OLED डिस्प्ले लगा रखी है, लाइक दो डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 2000x2040 है, और ये 120Hz तक कैपेबल है जो इसकी डिस्प्ले जिसके अंदर लगी हुई है, तो गेमिंग के अंदर मतलब फुल वाइब आएगी। और वो कैसी आएगी वो एक्सपीरियंस वाले पार्ट में बताएंगे। और इस VR का सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, 110 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू हमारे को मिलता है, FOV होता है ना, जो आप कितना एरिया एक बारी में देख पा रहे हो अपने सामने, कितना वाइड एंगल है वो इसका काफी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड में मारा, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, और इसकी बिल्ड कुछ इस तरीके की है कि लाइट वेट इतना है कि अगर आप लंबे सेशन तक गेमिंग करोगे तो ऐसा आपको फील नहीं होगा कि हैवी हेडसेट आपने लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो इसकी पहनने के बाद फील है वो काफी कंफर्टेबल है, उसका रीजन क्या है, इन्होंने ना यहाँ पे रबर पैडिंग सी दे रखी है, और इसकी रबर इतनी सॉफ्ट है ना फेस पे लगने एकदम कंफर्ट सा देती है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट मिलती है दो, एक तो ये वाली होगी, इसको बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा पीछे का हेडबैंड और इतना हेडरूम मिल जाता है हमारे को, तो कितना बड़ा भी सर डाल लो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक बटन ये वाला भी है, और इस वाले बटन को प्रेस करेंगे इसका आगे वाला पोर्शन भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये तब ज्यादा काम आता है कि आपका हेडसेट ज्यादा टाइट हो गया और यहाँ पे आंखों पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे जो ऊपर का हेडबैंड है जो हमारे फोरहेड पे लगेगा भाई, वो अच्छा खासा सॉफ्ट है, यहाँ पे पूरा टाइट करने के बावजूद भी मतलब ऐसी फील नहीं देता कि मतलब पेन वेन कर रहा हो या थोड़ा अजीब सा लग रहा हो। हाँ एक चीज है, गर्मियों में ज्यादा देर तक यूज करोगे तो स्वेटी तो कर देगा क्योंकि रबर है ना यार। और यहाँ पे एक रोलर मिलता है जिससे हमारे को लेंस एडजस्टमेंट मिल जाती है, और यहाँ पे फ्रंट में 4 कैमरे दे रखे हैं ट्रैकिंग वगैरह के लिए, और नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे को 2 बटन मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले तो बाय डिफॉल्ट पास थ्रू मोड के लिए आता है जिसमें आप बाहर का देख सकते हो चलते भी हेडसेट से, मतलब एकदम उतारने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा हम यहाँ पे म्यूट माइक्रोफोन भी सेट कर सकते हैं। यस, इसके अंदर माइक्रोफोन भी है नीचे, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे तो आने वाले टाइम में मल्टीप्लेयर गेम्स आएंगे VR के लिए, तो वो फिर आएगा ना पूरा मजा। हाँ भाई क्या हाल है,
बस बढ़िया। तो देखो भाई वीआर हेडसेट में ज्यादा बताने लायक कुछ नहीं है, इसके बाद सारा का सारा गेमिंग एक्सपीरियंस है। और गेमिंग एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें मुझे इसके अंदर फील होंगी वो मैं आपको हैंड टू हैंड एकदम रॉ बताऊंगा। आओ गेम खेलते हैं। और भाई अब लगा लेते हैं इसको। एक जो चीज मैंने सबसे पहले नोटिस कर ली है भाई, मैंने चश्मा लगा रखा है और आप मेरा चश्मा भी देख सकते हो भाई, अच्छे खासे बड़े साइज का है एंड इसके अंदर वो एडजस्ट हो गया। तो अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप ये वीआर हेडसेट पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भाई एक चीज मेरे को और बढ़िया लगी, इसका हेडबैंड ना टाइट करने के बाद यहाँ पे साइड में लाइट लीक्स वगैरह थे, तो इस वाले को जो मैं एडजस्टमेंट आपको बता रहा था ना, इससे एडजस्ट करके 1% भी लाइट लीक नहीं है। पूरी दुनिया मेरी चेंज हो चुकी है इसके अंदर आके। तो यहाँ पे फिटिंग के मामले में कोई रेटिंग तो नहीं दे सकता, बट ये मेरा दूसरा हेडसेट है ऑक्यूलस के बाद, तो मैं कहूंगा फिटिंग के मामले में अच्छा है। और ये जो चार कैमरा इसके ऊपर बने हुए हैं यही हमारी सारी ट्रैकिंग करते हैं। और पास थ्रू मोड में आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी कि मुझे रूम में कोई चीज चेक करनी है, तार तो नहीं लग गया कुछ भी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, बैठ के खेलना है, खड़े होकर खेलना है। तो हम खड़े होकर खेलेंगे, खड़े होकर बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे ना प्ले एरिया हमारे को सेट करना होता है। आप यहाँ पे सारे चारों तरफ देख सकते हो पूरा का पूरा प्ले एरिया ने ले लिया अलग अलग जमान के हिसाब से। तो यहाँ पे हम नीचे ना इसका प्ले एरिया एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सामने देख सकते हो लक्ष्मण रेखा बन के आ रही है, तो ऐसे कम ज्यादा करनी हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मुझे नहीं जाना, यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ। और भाई ये गेम के अंदर आ चुका, सबसे पहले होराइजन खेलेंगे हम कॉल ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे भी स्क्रीन कैलिब्रेशन आ रही है, हमें खड़े हो खेलना है, बैठ के भाई साहब खड़े हो खेलेंगे, हमारी मर्जी। ओहो भाई ये क्या है भाई, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ना वायर्ड मोड पे चल रहा है, और वायर्ड मोड पे चलने की वजह से यानी कि PS5 का पूरा पोटेंशियल यूज हो पा रहा है, तभी हमारे को इतने तगड़े ग्राफिक्स के गेम यहाँ पे मिल रहे हैं एक सिंगल कनेक्शन से। क्या हाल है भाई, सब बढ़िया? ओरे भाई ये पानी इतना रियल कैसे दिख रहा भाई, OLED डिस्प्ले के मजे तो है भाई यहाँ पे पूरे जबरदस्त। वो देखो वहाँ पे जानवर, मैं पानी वहां डाल सकता हूँ? भाई इसमें पानी में हाथ डालने में ना वाइब्रेशन हो रही है, ऐसा लग रहा सच में पानी में आ जा रहा, मतलब पानी इतना ठंडा ठंडा फील नहीं हो रहा। ये जो इसका हेडबैंड है ये भी वाइब्रेट कर रहा है, और इसकी वाइब्रेशन भाई बहुत स्मूथ है एकदम। भाई एक बात बताऊं, जिसने ये गेम एक्सपीरियंस करी नहीं ना उसने जिंदगी नहीं जी। वीआर में जो फील आ रही है इसको खेल के भाई, जैसे चल रहा है ना ये, तो मेरे को यहाँ वाइब्रेशन फील हो रही है प्रॉपर। भाई एक चीज जो मैंने नोटिस करी ना, ड्रॉ डिस्टेंस बहुत बढ़िया है, आपको दूर दूर तक का ना बहुत क्लियर दिखाई देता है इसके अंदर। और इसके अंदर सोनी का कहना है इसमें फोवियेटेड रेंडरिंग है, यानी कि जिस तरफ हमारी आई बॉल्स होंगी ना उस तरफ हमारे को बेटर रेजोल्यूशन दिखाई देगा, उसके आसपास वाला थोड़े लोअर रेजोल्यूशन में चलता है, ताकि पूरे के पूरे रिसोर्सेज एक जगह लग पाए। और ये चीज ना रियल सी फील होती है, जैसे हमारे भी रियल लाइफ में हम एक जगह देख रहे होते हैं तो साइड वाला ऐसे ब्लर ब्लर से दिखाई देता ना, सेम सी ही फीलिंग इसके अंदर होती है। मगरमच्छ छा गए, मगरमच्छ बड़े बड़े मोटर वाले मगरमच्छ, उड़ता ही फिरूं तैर पा रहा हूं मैं। और ना इसमें वाइब्रेशन हो रही है, जैसे पानी के अंदर हाथ जा रहे हो ना मेरे, चक्कर आ रहे मेरे को। ले गया इसको, भागो भागो। ये बढ़िया है ना, घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज हो रही है। और इसके अंदर फिंगर टच डिटेक्शन है, जैसे मैं एक उंगली रखता हूँ ट्रिगर के ऊपर तो ऐसे हाथ बंद कर लेता है, मतलब सिंगल है कि हाँ ज्यादा नहीं, बस एक ही जेस्चर आप देख सकते हो, एक उंगली वाला और या पूरे हाथ वाला। हेलो उधर इधर किधर, यार ये फीलिंग बहुत रियल है। इसकी जो वाइब्रेशन इतनी स्मूथ स्मूथ सी आ रही है ना, जैसे मैं इस लकड़ी को पकड़ रहा हूँ तो प्रॉपर कंट्रोलर में फील आ रही है भाई, चढ़ने वाली है एकदम। मेरे को 10 मिनट 15 मिनट हो गए खेलते हुए, मेरे को मोशन सिकनेस होने लगी है। एक्चुअल जी कच्चा तो नहीं हुआ, मोशन सिकनेस में से जी कच्चा भी होता, नशा टाइप सा हो रहा है एकदम से, ऐसा ना कि ओहो कि आपके पैर तो चल नहीं रहे हैं पर आपकी दुनिया हिल रही है। भैया जी इतनी मेहनत, आह क्या हाल है, आजा 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 R22। ओ ये कहां से निकल के आया, कर दिया भाई, कितनी प्यारी वाइब्रेशन है यार इसकी, ऐसे मतलब इसको जब खींच रहा हूं ना मैं तो प्रॉपर लग रहा है कि हाँ एक बो एंड एरो वाली फील आ रही है। हाय हाय मजा आ गया बाबे। और जैसे ही कंट्रोलर की बात चल रही है, इस कंट्रोलर के अंदर हमारे को 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि ठीक है यार, 1 से 2 घंटे के आसपास आप वीआर हेडसेट खेलोगे सर में दर्द होने लगता है, तो 4 घंटे तो बहुत है। हाँ बस ये है कि अगर आप चार्जिंग पे लगाना भूल जाओ तो बाद में कभी आप खेलने आओ तो इसके अंदर फिर वही चीज, आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा, मूड खराब हो जाएगा। और अगर आपको ये बड वाले हेडसेट सूट नहीं करते तो उसके साथ बड़ा हेडसेट भी आप लगा सकते हो, इसके साथ बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो जाता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पे वाइब पूरी तगड़ी आती है, आप ये लगा के भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर ना जो ऑडियो है वो काफी बढ़िया है, जैसे इधर कौवा वगैरह उड़ रहा है, ये आवाजें है ना पानी वानी की, जैसे इधर आग जल रही है तो यहाँ से मेरे को आवाज इस तरफ से सुनाई दे रही है। इसके अंदर सोनी वालों ने टेम्पेस्ट 3D ऑडियो टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, जिस नॉर्मल सी ईयरफोन में भी काफी अच्छी सुनाई दे रही है, बाकी आप बड़े हेडफोन लगाओगे 3D ऑडियो वाले सोनी वोनी वाले उसमें तो भाई तगड़ी वाइब आएगी। और इस गेम की सबसे बड़ी चीज मुझे पता क्या लगी, हम इसमें किसी भी चीज से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये देखो ये उठा सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं, वो देखो वो जा रहा नीचे, यहाँ पे एक ड्रम पड़ा है इसको मैं खोल सकता हूँ। ओहो ओ बढ़िया है ना ये,
अब दूसरी गेम ट्राई करती है रेजिडेंट इविल विलेज का डेमो, उसके अंदर हमने डाउनलोड कराया, मैंने कहा पूरा खरीदेंगे पहले जरा डेमो एक्सपीरियंस कर ले। ओ अरे भाई ये का सिर में दर्द हो गया भाई मेरे तो। चाकू आओ आओ, कौन आ रहा भाई इसके लिए ना, ये बैठ के खेलने वाली गेम ठीक है, क्योंकि इन वाले कंट्रोल्स हो रही है आगे पीछे और ये खड़े होकर चक्कर आ रहा है इसमें, तुम गिर भी सकते हो अकेले, पता लगा कमरे में इधर उधर कोई चीज। ओहो पिस्टल ओके, इजेक्ट मैगजीन निकल गई, दूसरी आ गई। हाँ अच्छा एक हाथ से चला लूंगा तो ये। हाँ कौन था? अरे थोड़े बहुत तो ठिकाने छूट जाते हैं, शेर है हम शेर। गेट द शॉटगन, कहाँ से लाऊं गोलियां? पांच ही डलती हैं क्या? ठीक है अब कच कच भी करूँ क्या? ओहो ओ ये बहुत सही था, शॉटगन से इसका हेडबैंड तक वाइब्रेट कर रहा है यार, ये सही है भाई, ऐसे 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 करना है। अच्छा ओ भाई साहब इसमें ना लेंस ऐसे देख सकते हैं लेंस में बकायदा, इसे लोड भी करनी क्या यार? इतनी डिटेलिंग देने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, इसमें से टारगेट पूरा आंख में से दिखाई दे रहा है प्रॉपर, बिल्कुल उसकी छाती पे लग रही गोली जाके। और एक चीज मैंने नोटिस करी है भी, जो गन वन चला रहे थे क्योंकि PS5 के कंट्रोलर से हम खेलते हैं ना, तो जो ट्रिगर्स हैं वो अडैप्टिव वाले ट्रिगर्स हैं और वो वैसी ही फील देते हैं बिल्कुल, जैसे पिस्टल चला रहे हैं तो पिस्टल वाली फील आ रही है, शॉटगन चला रहे हैं शॉटगन वाली फील आ रही है, एंड इट इज गुड। तो भाई अगला गेम टेस्ट करते हैं ग्रैंड टूरिज्मो, और ये वाला जो गेम है ना इस कंट्रोलर से चलेगा, एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। गड्डी शड्डी आ गई हमारी VR में। ओ अबे ये क्या है? ओ भाई इसके लिए तो स्टेयरिंग व्हील खरीद लो, ये तो बहुत ही तगड़ी आइटम है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ना उससे आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, VR लगा के देखना पड़ेगा। ओ भाई रियर कैमरा भी कितना प्यारा दिख रहा है इसके ऊपर। हेलो ओ भाई साहब भाई बहुत तगड़ा लग रहा है OLED डिस्प्ले में इसकी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं रियल की गाड़ी में बैठा हूँ, ये तो वाइब आ गई। इसमें पता क्या हो रहा, जैसे गाड़ी टकरा दी ना कहीं पे तो इस पे हेडबैंड में बहुत तगड़ी वाइब्रेशन दे रहा है यहाँ पे। मैं तेरी गाड़ी मारूंगा। ओ भाई ऐसा लग रहा है कि रियल में गाड़ी टकरा दी जाके। तो भाई VR हेडसेट को पहने मेरे को 40 से 50 मिनट हुए, मेरा लिटरली सर दुख रहा है इस टाइम पे ना, से चक्कर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अभी भी उसी मोशन में हूँ जो मैं गेम के अंदर था। तो थोड़ा गेमिंग को कंक्लूड कर लेते हैं। 120 हर्ट्ज इन्होंने बोला है, मेरे को 90 हर्ट्ज वाली फीलिंग तो आ रही थी, 60 हर्ट्ज वाली बहुत जिटरी होती है उससे ऊपर थी, बट एक्चुअल 120 हर्ट्ज वाली फीलिंग नहीं आई। बट यस आने वाले टाइम में और ऑप्टिमाइजेशन होंगे, अपडेट्स आएंगे और गेम्स आएंगे जो डिफरेंट फ्रेम रेट को सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस देखो सारा हो गया। अब नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं, जो PS VR है ये कहाँ पे लैक करता है। देखो एक तो कोई भी मल्टीमीडिया की ऐप नहीं है, जैसे हमने Oculus में दिखाया था आपको, Netflix VR दिखाया था, YouTube VR दिखाया था, YouTube पे VR वीडियोस हैं, बट PlayStation के अंदर अभी तक कोई भी VR की ऐसी एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन नहीं है जिसको आप एंजॉय कर पाओ इस VR हेडसेट को लगा के। दूसरा मेजर ड्रॉबैक ये PC से कनेक्ट नहीं होता। अब एक 50-60 हज़ार की डिवाइस बंदा लेगा, अब उसके पास PlayStation 5 भी होना चाहिए। अब किसी के पास PC है और PS VR वो लेना चाहता है क्योंकि PlayStation वाले गेम PC पे लॉन्च हो रहे हैं तो वो उनको एंजॉय कर पाए ना, बट ऐसा भी नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ PlayStation के साथ ही चलता है। और यहाँ पे इसके अंदर कोई भी स्टैंड अलोन यूजर इंटरफेस नहीं है, कोई होम UI नहीं है, जैसे Oculus में हमने एक्सपीरियंस करा था और उसके अंदर अपना यूजर इंटरफेस है, स्टैंड अलोन वो चल जाता है, वायर कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ अगर PC से खेलना हो तब जरूरत पड़ती है, बट आप उसको सोलो भी चला सकते हो, इसको आप सोलो नहीं चला सकते, आपको इसके साथ PlayStation 5 ही रखना पड़ेगा। एंड अभी के लिए PS VR2 आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़े दिन बाद ले सकते हो। रीजन क्या है, बहुत ही लिमिटेड सी लाइब्रेरी है, जो 3 गेम मैंने आपको दिखाया ना यही ढंग के गेम है जो अच्छे लेवल के हैं, उसके अलावा सारे गेम नॉर्मल से है। बाकी अपकमिंग गेम्स हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, इवन PS VR 1 वाले गेम भी अपडेट होकर आ रहे हैं PS VR 2 पे, लेकिन PS VR 1 की लाइब्रेरी बहुत तगड़ी थी एंड इवन बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी नहीं है क्योंकि वाइब्रेशन, हैप्टिक फीडबैक और एडाप्टिव ट्रिगर्स की वजह से उनको नए गेम में नया अपडेट रोल आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। अब लास्ट मेन क्वेश्चन आता है कि आपको PS VR 2 लेना चाहिए? अगर आपके पास PlayStation 5 है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि ये 50-60 हज़ार में आपको मिल जाएगा और जिसका एक्सपीरियंस है ना वो PC VR के तगड़े हेडसेट जैसा है, जैसे आई ट्रैकिंग हो गया, इसका हेडबैंड के अंदर वाइब्रेशन हो गया, एडाप्टिव ट्रिगर्स हो गए, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है कंट्रोल का बहुत तगड़ा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और अगर आप में से किसी के पास ना PC सिस्टम है ना ही PlayStation 5 है ना कुछ भी है और आपको VR एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं कहूंगा आप Oculus के लिए जाओ, उसका हमने रिव्यू बना रखा है Oculus Quest 2 का, उसके अंदर स्टैंड अलोन यूजर इंटरफेस है, ऐसा तगड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा जैसा इसमें मिल रहा था क्योंकि इसमें PlayStation की पावर यूज हो रही है ना। यही अगर आप PC VR करोगे तो PC VR के हेडसेट कितने महंगे आते हैं, फिर VR गेम्स खेलने के लिए आपको PC 3070 3080 कम से कम चाहिए होगा, 2 लाख का PC। तो यहां पे VR एक्सपीरियंस के लिए Oculus Quest 2 एक सही ऑप्शन हो सकता है अगर सोलो चलाना है। और अगर आपको जानना है कि PC VR versus PlayStation VR का वो सीन है, तो PC VR में लाइब्रेरी बहुत तगड़ी है, आने वाले टाइम में PlayStation की होगी नहीं होगी वो मिनी
नहीं पता, अभी के टाइम में प्लेस्टेशन वीआर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 50-55,000 का वीआर है और इतने का ही आपका प्लेस्टेशन 5 है। 1 लाख या 1 लाख 10 हजार रुपए में आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाता है वीआर वाला, वो भी तगड़े लेवल का, एकदम ओलेड वोलेड डिस्प्ले, 4K 120 हर्ट्ज़। वो चीज पीसी में करने के लिए आपको 3 लाख से ऊपर खर्चने पड़ेंगे, तब जाके वो परफॉर्मेंस और वो पावर मिल पाएगी। बाकी लाइब्रेरी अभी मुझे कुछ पसंद नहीं है, आने वाले टाइम में कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो हम देखते हैं क्या होता है, और दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। और आपको कैसा लगा वीआर हेडसेट, लाइक इसकी प्राइसिंग, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह, मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और किसी वीआर का रिव्यू चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, हम कोशिश करेंगे लाने की रिव्यू चैनल पे। एंड पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।